हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ के साइंस में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मैटर इन आवर सराउंडिंग में एक टॉपिक है लैटेंट हीट। अब इस लैटेंट हीट के बारे में आज की वीडियो में हम पूरा समझेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट में आपको हम बताएंगे लैटेंट हीट क्या होता है, ताकि आप अच्छे से इसका डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिख सकें। लैटेंट हीट दो तरीके का होता है, यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए हम दोनों आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहला है कि लैटेंट हीट किसको कहा जाता है। लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ हीट, यानी इसी को हिडन हीट भी कहा जाता है, इसी को हिडन हीट भी कहते हैं हम लोग। लैटेंट हीट क्या होता है, उदाहरण देखिए। आप क्या करिए कि एक बर्तन ले लेना है और इस बर्तन में हम लोगों को पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद इस बर्तन के नीचे से फ्लेम देना स्टार्ट कर देना है, यानी इस बर्तन को गर्म करना स्टार्ट कर देना है। और गर्म करने से पहले आपको इसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा देना है, जिस थर्मोमीटर का काम होगा कि आपका टेम्परेचर यह बताता रहेगा कि आपके बर्तन के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है। आप धीरे धीरे जब गर्म करेंगे पानी को, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे पानी का बढ़ रहा है। टेम्परेचर पहले 30 डिग्री था, तो अब वो बढ़कर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन आप गौर करेंगे कि टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद भी अगर आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो हीट आप देते रहें लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। एक लिमिटेड टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब हम लोग नीचे से हीट दे रहे थे शुरुआत में, तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, लेकिन अब हम लोग नीचे से हीट कंटिन्यू अभी भी दे रहे हैं, हीट देना हमने बंद नहीं किया, लेकिन अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर 100 पे जाके रुक गया। इसका मतलब अब जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट आखिर कहाँ गया। अगर नॉर्मली सोचा जाए तो हम लोगों को लग रहा है कि यह हीट कहीं ना कहीं छिप चुका है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लैटेंट हीट। और यह लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब दरअसल ये हीट कहाँ गया, जरा समझ लीजिए। एक्चुअली जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, इसका वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, तो पानी वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और पानी जैसे ही वेपर में चेंज होगा, इसका स्टेट चेंज होगा, ये वाटर से यानी कि लिक्विड फॉर्म से ये गैसियस फॉर्म में जा रहा है। और जब भी कभी भी एक सबस्टांस अपना स्टेट चेंज करता है, तो स्टेट चेंज करते वक्त उसको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा हीट ही यूज़ होता है स्टेट चेंज करने में, और उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। यानी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी जो आप नीचे से हीट दे रहे थे, वो हीट खर्च हो जा रहा है क्या करने में, स्टेट चेंज करने में। यहाँ पे लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में वो एक्स्ट्रा हीट खर्च हो जा रहा है, जिसको हम लोग लैटेंट हीट या यहाँ पे इस टॉपिक में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको उम्मीद है समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। अगला है हम लोग का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले लैटेंट हीट के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि लैटेंट हीट किसको कहा जाता है। वो हीट जो छुपा हुआ हीट है, वो हीट जो तुरंत हम लोगों को नज़र नहीं आए, उसको हम लोग हिडन हीट कहते हैं। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपको करना क्या है कि एक बर्तन में आप लोगों को बर्फ़ का टुकड़ा रख लेना है, यानी आइस क्यूब्स को आप अपने बर्तन में रख लेंगे, और बर्तन में रखने के बाद क्या करना है कि इसमें लगा देना है थर्मोमीटर को। अब थर्मोमीटर जब हम इसमें लगाएंगे, तो जाहिर है कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब क्या है कि इस बर्तन को नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसको हम लोग फ्लेम पे रखेंगे और इस बर्तन को गर्म करेंगे। जब हम बर्तन को गर्म करना शुरू करेंगे, तो गर्म करने के 10 सेकंड के बाद हम वापस से अपने थर्मोमीटर को देखेंगे, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। जब एक मिनट बीत जाए,
उसके बाद भी हम देखेंगे अपने थर्मोमीटर को, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब तक बर्फ पूरा पिघलेगा नहीं तब तक आप नीचे से हीट अगर दे भी रहे हैं तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि सर ये जो नीचे से हम हीट दे रहे हैं इस हीट की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि नीचे से हीट जा रहा है तो ऊपर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, यानी ये हीट सर कहाँ चला गया, ये हीट एनर्जी आखिर कहाँ खर्च हो जा रहा है। तो दरअसल यहाँ भी लैटेंट हीट का कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या है कि पहले से आइस मौजूद है जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जाहिर है कि स्टेट चेंज होगा, और जब भी स्टेट चेंज होगा तो स्टेट चेंज होते समय होता क्या है कि उसको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा हीट यानी नीचे से जो हम फ्लेम दे रहे हैं उस फ्लेम के थ्रू जो हीट जा रहा है वो हीट खर्च हो जा रहा है स्टेट चेंज करने में। जैसे ही इसके अंदर का सारा आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में यानी कि वाटर में, यानी स्टेट चेंज जब होना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंप्लीट करने के बाद दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन के आता है। पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान का हाथ 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से जल जाए और किसी इंसान का हाथ वेपर से यानी कि गर्मा गर्म, जो जैसे कुकर से अगर आप कभी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कुकर से जो भाप निकलता है वो भी काफ़ी गर्म होता है, तो वेपर से अगर किसी का हाथ जल जाए और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी से किसी का हाथ जल जाए तो ज़्यादा खतरनाक कौन होगा? ऑब्वियसली आंसर होगा वेपर। वेपर से अगर हाथ जल रहा है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसका कारण ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का टेम्परेचर 100 है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही हीट एनर्जी मौजूद है, लेकिन जो वेपर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी पानी को जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बनता है, यानी पानी का टेम्परेचर 100 तो है ही अब प्लस एक्स्ट्रा हीट भी है उसके अंदर जो उसने स्टेट चेंज करते वक्त गेन किया था। तो वेपर में क्या मौजूद है? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्स्ट्रा हीट, यानी लैटेंट हीट मौजूद है वेपर के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा क्वेश्चन यह भी दिमाग में आता है कि अगर किसी का हाथ जल गया तो हाथ जलने के बाद जाहिर है हम लोग बर्फ़ का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादा ठंडक कौन देगा? हम अपने हाथ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में रख लें तो ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलेगा, या वही 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ़ अगर हम अपने हाथ पर रखें तो हमको बर्फ़ ज़्यादा ठंडक देगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसका आंसर होगा आइस। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस का यूज़ करते हैं अपने हाथ को ठंडा करने के लिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के अंदर अपने हाथ को रखेंगे तो वो आपके हाथ के टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करना स्टार्ट करेगा और लगभग आपको थोड़ा सा ठंडक ज़रूर पहुँचाएगा वो। लेकिन अगर आप आइस रखते हैं अपने हाथ पे तो आइस क्या करेगा, जैसे ही आप अपने हाथ पे आइस को रखिएगा आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो है ही कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात चल रहा है यहाँ पे कि आइस मेल्ट भी करता है हम लोग के हाथ पे, और जब हमारे हाथ पे आइस मेल्ट करेगा यानी पिघलेगा तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज होगा तो उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए यानी लैटेंट हीट चाहिए, और वो लैटेंट हीट कहाँ लेगा? तो आपके हाथ से, आपके हाथ से लैटेंट हीट लेगा और वो कन्वर्ट करेगा आइस को वाटर में, यानी आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा आइस, और इस वजह से आपके हाथ को ज़्यादा ठंडक महसूस होगा अगर आप आइस का यूज़ करते हैं ठंडक के लिए बनिस्पत वाटर के। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।